फिजूल की और मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई उससे। इतना कुछ करने के बाद भी तुझे चैन नहीं मिला, जो अब भी उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है तू? क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? मेरी आंखों में धूल झोंकना छोड़ दे तू। मैं थोड़े दिनों शहर के बाहर क्या गया तू? तूने एक नई तैयारी कर ली? बाबूजी आपकी बातों से लगता है कि कोई मेरे खिलाफ आपके कान भरता है। अब मैं तुझे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। तू स्वीडन जा रहा है? यह आपको किसने बताया? यह सच है या झूठ? ये सच है बाबूजी। मुझे अपने ऑफिस के काम से स्वीडन भेजा जा रहा है। सचमुच स्वीडन भेजा जा रहा है या फिर से तू कुंती की किसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबूजी? मैं इतना बुरा नहीं हूं। इतने दिनों से कुंती को आश्रम में रहते देख मेरा दिल तड़प उठता है बाबूजी। बेचारी इतने बरसों से अपने बच्चे का इंतजार करे, लेकिन आज तक किसी को उस पर तरस नहीं आया। इसलिए आज जब मेरे ऑफिस वालों ने मुझे स्वीडन भेजने की बात कही तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके बच्चे कर्ण को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर वो मेरा भी कुछ लगता है। मैं सिर्फ कुंती की खातिर करना चाहता हूं बाबूजी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता बाबूजी। सरकार झूठे, बंद कर अपनी नाटकबाजी। ये आपको नाटक लगता है बाबूजी? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बाबूजी, कर्ण को वापस लाने का फैसला करके मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि कुंती की सांसें कर्ण में बसती हैं। वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती बाबूजी। 5 साल से वो बच्चा उसके पास नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। लेकिन आपने उसकी तड़प देखी उसकी तड़प बाबूजी। कर्ण के लिए उसके आंसू किसी पत्थर दिल को भी मोम बना सकते हैं। जिस दिन मैं कर्ण को उसकी गोद में लाके डालूंगा उसी दिन मेरा प्रायश्चित पूरा होगा बाबूजी, वरना तब तक मैं प्रायश्चित की आग में सुलगता रहूंगा बाबूजी। आज तुझे पछतावा हो रहा है? प्रायश्चित करने जा रहा है तू आज, जब कुंती का बच्चा जिसका तू बाप है किसी और ने गोद ले लिया है? नहीं बाबूजी, कर्ण को जबरदस्ती गोद दिया गया था कुंती की मर्जी के बगैर, और सरला जी ने भी उस पर कम जाती नहीं किए। तो तू क्या चाहता था कि तेरे पाप की निशानी को पूरी जिंदगी गले से लगाए कुंवारी माँ का दाग लेकर मारी मारी फिरती रहती? आज तुझे उस बच्चे का ख्याल आ रहा है? सिर्फ कुंती की खातिर बाबूजी। कुंती की खातिर कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? फिर कह रहा हूं, वो अच्छा जहां भी है सुख से है, उसे वही रहने दे, वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी अपने बेटे के लिए आज भी पागल है, लेकिन उसे अब ऐसे ही जीना होगा, ऐसे ही। लेकिन क्यों? मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, उसका बाप हूं। उसके हर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसकी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे की वजह से कोई परेशानी हो। लेकिन रोहित रस्तोगी कुंती को अपना नाम देने को तैयार है बाबूजी। गर्व से बता रहा है मुझे तू, खुद बाप होकर कहता है कि वो नाम देने को तैयार है। अब मेरी जो मजबूरी है वो तो आपसे छुपी नहीं बाबूजी, लेकिन रोहित रस्तोगी कर्ण और कुंती दोनों को नाम देने को तैयार है बाबूजी। लेकिन कल कुंती की अपनी दूसरी संतान हुई तो कर्ण उसके नए रिश्ते में एक दरार बन जाएगा। तो पहले ही बहुत दरारें पैदा कर चुका है, अब कोई और दरार मत पैदा कर। लेकिन बाबूजी, मैं कुंती को वचन दे चुका हूं। वचन? अब तू वचन को तो तू क्यों प्रास की तरह चमाना जानता है? इसलिए जो मैं कहता हूं ध्यान से सुन, कर्ण को वापस न लाने में ही कुंती की भलाई है। तू स्वीडन जाता है तो जा, लेकिन कर्ण को वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा तू। लेकिन बाबूजी, वो इसे तू मेरी विनती समझ ले और कुंती के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी मत पैदा कर। ठीक है बाबूजी,
अगर आप कहते हैं तो जब डाली से कोई फूल तोड़ दिया जाता है तो उसी डाली पर वापस नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब तक मैं कुंती की खातिर सोच रहा था, अब आपकी खातिर चलता हूं। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? माँ, आज मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है ना कि डॉक्टर साहब भी एक बार हैरत में पड़ गए। क्या? हाँ माँ, आज मैंने ये साबित कर दिया कि कुंती का सबसे बड़ा हमदर्द सिर्फ मैं ही। क्या बात कर रहे हो अमन, तुमने कहा और उन्होंने भरोसा कर लिया? अरे मैंने भरोसा करवाया माँ। क्या वो इस बात को भूल गए कि कुंती की जिंदगी तुमने बर्बाद की है? माँ, कोई कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ेगा? और फिर मैं तो उन्हें हमेशा यही कहता आया हूँ कि भाई जो गलती मैंने की है उसे भूल जाएं और मुझे उसे सुधारने का मौका दें। और वो चुपचाप तुम्हारी बातें सुनते रहे? नहीं माँ, काफी चीखे चिल्लाए, यहाँ तक कि मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए यही मौका है कि मैं कुंती को उसका बेटा लाकर सौंप दूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा, फिर तो अजूबा हो गया माँ। इस बात की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी है कि मैं स्वीडन से कर्ण को वापस ना लाऊं। क्या? हाँ माँ, उनका कहना है कि कुंती का बेटा जहां है वहीं पे सुखी है, उसे वहीं रहने। उन्होंने कुंती के बेटे को वापस ना लाने का मुझसे वचन भी लिया है। और तुमने वचन दे दिया? हाँ, अब क्या करता माँ, एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए वचन मांग रहा था, मैंने भी दे डाला। वैसे भी तुम कौन सा जाने वाले थे मन? माँ, तुमने अभी तक मन की चालों को समझा नहीं है। मैं अगर जाता भी तो उस बच्चे को कभी वापस न लाता, क्योंकि वो बच्चा भविष्य में हमारे लिए मुसीबत बन सकता था। चलो ये अच्छा हुआ कि डॉक्टर गजेंद्र और मिसेज रस्तोगी दोनों ने ही तुम्हारा काम आसान कर दिया। मां, शुरू में तो मुझे डर लगा था कि पता नहीं डॉक्टर साहब मुझसे क्या कहें, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूं। एक बात नहीं समझ में आई, डॉक्टर गजेंद्र ये क्यों चाहते हैं कि कुंती का बेटा वापस ना आए? मां, उन्हें रस्तोगी के रिश्ते की पड़ी, उस बच्चे की वजह से वो कुंती के लिए भविष्य में कोई परेशानी नहीं चाहते। खैर, हमें इस बात से क्या लेना देना, बस तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब इस स्वीडन के ड्रामे में कोई परेशानी नहीं रही माँ, मुझे कुंती के सिग्नेचर्स भी मिल चुके हैं और मिसेज रस्तोगी से 1,00,000 रुपए कैश। मैडम, आपसे मिलने के लिए डॉक्टर गजेंद्र जी आए हैं। क्या डॉक्टर साहब आए हैं? तो फिर उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, अंदर बुलाओ ना। जी मैडम। नमस्कार मिसेस रस्तोगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ, मैं शहर में नहीं था। अच्छा, बैठिए। थैंक यू, बैठिए। माफ कीजिएगा, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के चला आया। कैसी बातें करते हैं आप,
आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है? आप तो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं, आपका घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। मिसेस रस्तोगी, जैसे ही मैं वापस आया तो ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली कि मैं जरा परेशान हो गया हूँ। ऐसी कौन सी खबर पता चली आपको? कल शाम रोहित मुझसे मिलने आया था, उसी ने मुझे बताया कि स्वीडन से कुंती का बेटा वापस आने वाला है। हाँ, ये हमें भी बताया गया है। अब कुंती की खुशी की खातिर हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो खुशी की बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बात तो खुशी की है, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ जिसे कोई नहीं देख पा रहा है। क्या मतलब? मिसेस रस्तोगी, मैं कुंती का पिता हूँ। मेरी तो यही कोशिश होगी कि जिस बेटी ने आज तक दुख ही दुख झेले हैं, तो दुख की परछाई भी ना पड़े। हम आपके बात समझ सकते हैं, और फिर कुंती के अलावा आपका और है भी कौन? इसीलिए जब मैंने सुना कि उसके बेटे को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं चिंता में पड़ गया। ऐसे भी जिस बच्चे को गोद दिया जा चुका है, उसकी वापसी कैसे संभव है? डॉक्टर साहब, इंसान की चाहत ही असंभव को संभव बना देती है। अब कुंती की तो बरसों की चाहत सिर्फ यही है कि उसे उसका बेटा वापस मिल जाए। वो बच्चे की माँ है, उसकी चाहत तो होगी ही, लेकिन हम समझदार हैं, भावना में बहकर कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। आपका कहने का मतलब है कि ये जो कुंती के बेटे को वापस लाने का फैसला किया जा रहा है, ये गलत है? मैं ये भी नहीं कह सकता। जिस बच्चे में मेरी बेटी की सांसें बसती हों, उसके लिए मैं ऐसा कैसे कह सकता? तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस रस्तोगी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। सवाल उस बच्चे के वापस आ जाने का ही नहीं है, सवाल उसके भविष्य का भी है, उसकी परवरिश, उसकी सलामती का भी हमें विचार करना होगा। डॉक्टर साहब, हम उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं, हम उसे अपना नाम भी दे रहे हैं। आप बड़े लोग हैं मिसेस रस्तोगी, आपका दिल बड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि वो बच्चा यहां वापस आए। किसी में कुंती और उस बच्चे की भलाई है। लेकिन कुंती तो यही चाहती है कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए, इसीलिए वो हमारे पास भी आई थी, ये पूछने के लिए कि हम उसके बेटे को अपनाएंगे या नहीं। नंदिनी जी, हमारी जो ये इच्छाएं होती है ना, यह हमें ठगती रहती। कुंती के बच्चे का जो पिता था, अगर उसने धोखा न दिया होता तो आज ये स्थिति सामने नहीं आती। लेकिन अब उसकी शादी रोहित से हो रही है, और ऐसे में वो बच्चा वापस आ गया तो उन दोनों के भविष्य के लिए शायद बोझ बन सकता है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हम तो समझ रहे हैं, लेकिन कुंती को कौन समझाएगा? मैं खुद उससे बात करूंगा। बच्चे के सुख की खातिर उसे त्याग करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। अब अगर आप ये सब नहीं चाहते तो हम क्यों चाहेंगे भला? महाभारत इस बात की गवाही देता है मिसेज रस्तोगी कि कुंती और कर्ण का मिलन कभी नहीं हो पाता, इसलिए जो कर्ण की परवरिश कर रहे हैं वही उसके माँ बाप हैं। डॉक्टर साहब, हमने कुंती को भरोसा दिया था, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि कुंती से कर्ण का मिलना ठीक नहीं होगा। आप अपने अनुभव से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रोहित को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि शायद रोहित आ गया। आइए बैठिए। अरे बाबूजी, आ नमस्कार। रोहित, हाँ, वो मैं तुम्हारी माताजी के साथ शादी की तैयारियों की बात करने आया था कि
क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, शादी में किन किन लोगों को बुलाना है। हाँ रोहित, हम लोग शादी से पहले ही शादी की सब तैयारियां पक्की कर लेना चाहते हैं।